अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से फिट पाट हैं। तो यार अभी जो है ना माशाल्लाह काफ़ी हद तक मौसम जो है ना अच्छा हो चुका है। अभी गर्मी थी काफ़ी, सुबह से जो है ना काफ़ी गर्मी थी, धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन अब जो है ना माशाल्लाह टेम्परेचर काफ़ी सही हो गया। हवा वगैरह चल रही है, धूप भी है लेकिन जो है ना हवा चल रही है। अभी जो है ना मैंने अपने ऊपर आके दाना पानी को दाना तो नहीं खा डाला, पानी डाल दिया था, क्योंकि पानी ना कल का भी डाला हुआ था, कल पानी डाला नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आज मैंने फिर ना आके उनको डाला। अभी डाला तो वैसे सुबह चाहिए था लेकिन सुबह टाइम नहीं मिला, तो अभी जो है ना मैंने कबूतरों को खोल दिया था ताकि ज़रा बाहर का अभी जो है ना एरिया देख लें, ताकि इनको याद हो जाए कि भाई इन्होंने कहाँ पे आना है। अभी जो है ना पर काटे हुए हैं, जिस वजह से ये उड़ नहीं सकते, सिर्फ अभी जो है ना यहीं पर फिर लें, लेकिन जो है ना ये है उड़ने वाली नस्ल, जो अभी खैर हल्के से बाहर हैं लेकिन फिर भी जो है ना छलांगें मार रही थी, तो मुझे डर था कि बाहर ना चलिए। तो अभी क्या किया मैंने, इनको यहाँ पे जाना इनका थोड़ा सा दाना डाल दिया और पानी भी डाल दिया, इनको जो है ना आज हमने खोल दिया। तो दो दिन बाद खोले, उसकी वजह ये थी कि ताकि इनको जो है ना दो दिन में इनको अपने जो है ना इसका एरिया का पता लग जाए अंदर का, कि हमने इधर ही रहना है और कहीं जाना नहीं है। तो ऊपर भी मैंने जो है ना पानी डाला, सारे नीचे भी डाल दिया, ऊपर भी डाल दिया और उस साइड पर भी डाल दिया था। उस साइड पर जो है ना बड़ी अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो मेरा पुराना मुर्गा जो था ना उसमें ब्लैक वाला वो चला गया था, उसकी जगह एक नया मुर्गा आ गया, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वो तो खैर दोस्त के दोस्त का था, इस वजह से उसने वापस ले लिया। ये जो है ना मेरे दोस्त का ही है, उसने मुझे दिया है, उसकी जगह जो है ना इसने मुझे ये वाला दे दिया। अब ये है कि मैं रख लूँगा इसको, तो मैं ही रखूँगा। तो अभी खैर अकेला है, खाली है मुर्गा, तो अभी पट्टा है ना, जिस वजह से इसके साथ जो है ना मुर्गी अभी लगाई नहीं जा सकती। तो थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर जो है ना इसके साथ मुर्गी लगा लेंगे तकरीबन एक दो महीने तक। अभी आपको एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ कि इसने जो है ना इस वाली मुर्गी ने भी अंडा दिया आज, और इसने भी जो है ना तीन चार दिनों बाद जो आके जो है ना अंडा दिया। इसने भी एक दिया, अभी कल इसने दिया था लेकिन इसने खा लिया, वो सारी जर्दी वगैरह पड़ी हुई है, आज फिर इसने दिया। और उसने जो है देसी ने तो वैसे ही देना बंद कर दिया, और ये वाली भी जो है ना मुर्गी अभी नहीं दे रही अंडा, पता नहीं क्यों। खैर इसके अंडे जमा किए हैं थोड़े बहुत जो है ना, यार अंडे मैंने जमा कर लिए हैं जो रखवाने हैं मैंने इंक्यूबेट के लिए, तो काफ़ी हद तक मतलब कि तकरीबन 10 अंडे होंगे मेरे पास जो कि मैंने रखवाने हैं, 10 से 12 13 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो उसमें जो है ना एक और अंडा भी है, वो है दूसरी ब्रीड का तरह, वो भी रखवा देंगे, उसका उसमें से अंडा निकला है, चूज़ा निकला है, लेकिन उम्मीद नहीं है लेकिन हो सकता है निकला है, क्योंकि फर्टाइल होगा, क्योंकि अनफर्टाइल होता है मार्केट में वैसे भी, तो मुझे वैसे भी किसी ने दिया था। खोलना नहीं है क्योंकि अभी कबूतर खोले हुए हैं, फिर ये जो है ना आपस में फिर उनको जो है ना मारेंगे, तो इस वजह से वो डर जाएंगे। अभी वैसे भी थोड़े से ना डरे डरे से थे, अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं, वरना उधर छुपे हुए थे नीचे खुडे के, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं। तो अब जो है ना आधे घंटे तक तकरीबन इनको बंद कर दूंगा और फिर जो है ना वो अपने मुर्गियों को खोल लेंगे, ताकि ये भी आके बाहर आके दाना खा लें। तो एक कबूतर को हमने बंद कर दिया, बड़ी मुश्किल से पकड़े हैं और बड़े जो है ना काबू करके जो है ना इनको पकड़ लिया, अंदर डाल दिया, दाना भी इनका डाल दिया, पानी इन्होंने थोड़ा सा पी लिया था, थोड़ा सा रह गया, बाकी पी लेंगे, पीते रहेंगे आराम से। अब जो है ना इनको खोल देते हैं, ये काफ़ी देर से जो है ना यार तीनों मुर्गियाँ लड़ रही हैं, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ, इनको खोल देते हैं। और ऊपर जो है ना वो यार चूज़ा बीमार है, उसका कोई पता नहीं, कुछ हल नहीं निकल रहा उसका, कि क्या करें उसके साथ समझ नहीं आ रही। तो दाना पानी तो सही खा रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, बाकी चूज़े माशाल्लाह ठीक हैं दोनों। तो बाकी भी इन्होंने बताया था कि यार चूज़े चले जाएंगे, तो बाकी सारा खाली हो गया, चूज़े वगैरह चले गए, मैंने ना कल दे दिए थे, तो अब सिर्फ ये तीन रह गए, ताकि दूसरे भी ना बीमार हों एक की वजह से, उस वजह से मैंने वो निकाल दिए, उनको दे दिए वापस जिनके थे। तो अब ये थोड़ा सा ढीला है, इसको ज़रा ठीक करना है, इसको उसको समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या, दाना भी सही खाता है और पानी भी सही पी रहा है लेकिन ना फिर भी पता नहीं क्या मसला है। हैवी फीमेल मतलब मुर्गी है, तो ज़्यादा नुकसान होगा अगर फीमेल मर जाती है तो। अभी इसको खोल देते हैं जल्दी जल्दी से, लड़ लड़ाकू ही पड़ी है, बाहर आ जाओ। भाई भाई सारों को जो है खोलते हैं, अभी मैंने खैर उसको खोलना था पहले लेकिन अब जो है ना इनको खोल दिया, क्योंकि वो भी अभी आया है, कल से बांधा हुआ है, मैंने अंदर ही बंद किया हुआ है, अभी बाहर निकाला, वो बहुत तेज़ है, हाथ से ऐसे निकलता है, तो उसको जो है ना बड़ी मुश्किल से जाना, बड़े आराम से पकड़ के खोलना पड़ेगा। तो अभी इनको भी खोल देता हूँ साथ ही, फिर अगली की बारी आएगी फिर उनको भी खोल देंगे, तकरीबन दो से मैं कहते एक दो दिनों बाद जो है ना इनको खोल रहा हूँ मैं, दो दिन से मैंने इनको नहीं खोला था और फुल टाइम जो है ना ये आपस में ही लड़े थे कि इनको खोल दिया जाए, करना इन्होंने कुछ नहीं है, दाना पानी मैंने इनका अंदर ही डाल दिया था,
बाहर इन्होंने कुछ नहीं बनना, बस खेलते रहना। मिट्टी में थोड़ा सा खेल लेंगे, फिर इनको भी बंद करके फिर इनको खोल देंगे। इनको जो है ना खट्टे खोल देता हूँ, वैसे क्या ही कहते हैं, इनको साथ ही खोल देते हैं यार, कोई मसला नहीं है। चलो बाहर आ जाओ। इस मुर्गे को जो है ना अभी मैंने दूसरा मुर्गा दिखाया नहीं है, वरना ये बड़ा तेज़ हो जाएगा। चलो बाहर आओ, निकल। करी जा रही हो, देखो अंदर चली गई है, बाहर निकाले फिर भी अंदर चली जाती है। बाहर आओ, चलो बाहर आ। चलो इसने तो ऐसे तो आना नहीं था, मैंने उसको ऐसे निकाला। अब मुर्गा भी आ जाएगा इसका, देखना बहुत तेज। चलो बाहर आओ, ये देखो आ गया। अब जो है ना इधर लड़ेगा, नहीं नहीं लड़ो, ये पहले बड़ा लड़ाकू था लेकिन जब से ये आया है ना तेज हुआ है, तो अब जो है ना क्या कहते हैं, नहीं करो कुछ, ये अब ये तेज़ हो गया, पहले वो वाला तेज़ था। खैर उसकी मुर्गी ही उधर गई, उसकी मुर्गी फिर अंदर चली गई है, उसको जो है ना वही नहीं करो। आपस में लड़ते रहते हैं ये दोनों, नहीं लड़ते जो है ना, मतलब कि वो हाइट छोटी है उसकी, हाइट बड़ी है, इस वजह से जो है ना दोनों लड़ते नहीं हैं। सील और जो है ना कहते हैं फैंसी, ये नहीं कभी लड़ते वैसे तो, वो है भी वैसे प्योर सील नहीं है, देसी है। उसको भी जो है ना अभी बाहर निकालते हैं, क्योंकि उसको जो है ना मैंने कल शाम को ही बांधा हुआ है, बाहर नहीं खोला था। पहले इनको जो है ना दाना करके इनका, मतलब कि इनको बाहर खेल लेंगे मिट्टी में, तो फिर इनको जो है ना बंद कर देते हैं, फिर हम जो है ना अगले को खोल लेंगे। कबूतर को खोल दिया था, इनके लिए इतना बहुत है, फिर कल जो है ना इनको दोबारा खोल दूंगा, सुबह सुबह कल खोल दूंगा इनको, ताकि जो है ना ये इधर उधर फिर लें। तो बाहर निकलना वैसे ज़्यादा अच्छा है इनके लिए, जितना ये ज़्यादा बाहर निकलेंगे ना उतनी जल्दी ये ब्रीड कर लेंगे। अंदर बंद पड़े रहेंगे तो बंद पड़े पड़े में ना ब्रीड नहीं करते, बाहर खुलेंगे ना एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, तो फिर जो है ना फिर जाके ब्रीड करेंगे, ऐसे बंद बंद में ब्रीड करते ही नहीं। तो अभी वजह से जो है ना मैं थोड़ी देर खोलें, तकरीबन आधा घंटा कम ही खोला होगा। तो खैर आप इनको दोबारा बंद कर दी, इसको फुर्तियाँ आ रही हैं कि मैंने इसमें बाहर आना है, इसको लेकिन बाहर नहीं निकालना, फिर ये इसके साथ लड़ता है इस वाले के साथ, देसी के साथ, ये सील के साथ। तो इस वजह से जो है ना इसको नहीं खोलना। बाकी माशाल्लाह सेट है ये, पता नहीं मुर्गी जो है ना इन दोनों को गंजा करने में लगी हुई, ये मारती रहती है पानी में, कभी गीला कर देती कभी कुछ। पहले इसको जो है ना नज़ला जुकाम हुआ है, लेकिन जो है ना फिर भी ये आपस में लड़ते रहते हैं माशाल्लाह। वो यार वो दो चूज़े ठीक है, ये इस चूज़े को पता नहीं क्या हुआ, क्या मसला है। ये तीन देर खेलते हैं, मैं फिर ना इनको बंद करके जो है ना इनको नहीं खोलना आज, इनको बाद में खोलेंगे। तो बाकी उसको खोल देंगे, वो देखो जी वो अपनी छोटी छोटी आंख करके जो है ना वो देख रहा है, वो देख आंख बाहर निकाल के जो है ना देख रहा है कि भाई बाहर कौन है क्या नज़ारा है। तो वो इसको क्योंकि पता ही नहीं बिल्कुल भी, मैं अंधेरे में तकरीबन अंधेरे अंधेरे में लाया हूँ उसको, जल्दी से मैंने बंद किया और जो है ना वापस नीचे चला गया। तो खैर अभी वो देख रहा है बाहर का नज़ारा क्या है, बाहर कौन है, ऐसा कौन सा मुर्गा जिसके साथ मेरी लड़ाई हो सकती है, वो भी ये देख रहा है। बड़ा लड़ाकू है, इस वजह से जो है ना उसको साथ नहीं खोल रहा, वरना फिर वैसे तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जिधर था ना इधर नहीं लड़ता था, लेकिन इधर क्योंकि नहीं है सारी, तो इस वजह से इधर लड़ेगा, फिर उसको बाद में खोलते हैं ठीक है। तो भाई सारी मुर्गियों को कर दिए बंद, और जो है ना कहती हैं सबको बंद कर दिया, सारा को जो है ना बाहर खेल लिया था सारों ने, और सब जो है ना मीठी मिट्टी हो गई हैं। सारों को खोल दिया था, इनको भी खोल दिया था, ऊपर वालों को भी खोला हुआ था, सारी सी बात है। तो हमने सारों को जो है ना मैंने जो है ना बंद कर दिया, तो उन्होंने खेल लिया सारों ने मिट्टी मिट्टी में, तो सब गंदी हो गई हैं, गंदी मंदी सी हो गई हैं सारी, वो भी गंदी मंदी पड़ी हैं, ये भी गंदी मंदी पड़ी हैं, ये भी गंदी हो गई। तो खैर सारों को बंद कर दिया, और अब जो है ना क्या कहते हैं इन सारों को आगे नो, ये देखो सो रही है, मुझे सो रही थी। चलो अब इनको कर देते हैं बंद, और जो है ना आज मौसम यार देखो काफ़ी अच्छा हुआ है, जो है ना काफ़ी मज़े का मौसम है, तो मज़ेदार है वैसे मौसम हुआ है, लेकिन हवा चल रही है, गर्मी है लेकिन ये है कि हवा चल रही है, तो उसकी वजह से जो है ना मौसम थोड़ा सा सेट है, थोड़ा सा बेहतर है। तो अभी क्या हुआ था यार, कल जो है ना ये देखो सारी जो है ना शीट फट गई है कल, हाँ ये क्या कहते हैं ना बारिश की तरह बारिश भी हो रही थी, और साथ थोड़ी थोड़ी ना हवा चल रही थी, हवा काफ़ी तेज़ हो गई एकदम, तो ये मेरी सारी जो है ना शीट फट गई यहाँ से, और ये डैमेज हो गई है।
और आप क्या करना है कि इनके लिए नई शीट लानी है। शीट तो नहीं लाऊंगा, खैर जो है ना तरपाल लेकर आऊंगा कपड़े वाली मोटी जो वाटर प्रूफ हो ताकि पानी से भी बचत हो जाए और जो है ना गर्मी से भी जो है ना काफ़ी हद तक बचत रहे। तो क्योंकि शीट जो है ना फिर ख़राब हो जाती है, गल जाती है धूप की वजह से, कपड़ा जो है वो गलता नहीं है, वो सही रहता है। तो अब क्या करना है, जाऊँगा और भाई से जाके जो है ना वो शीट ले आऊँगा, तरपाल ले आऊँगा, वो जाके तो लगा लेंगे, फिर काम जो है सेट हो जाएगा। और बड़ी लेकर आऊँगा ताकि जो है ना इस पिंजरे के ऊपर भी कवर हो जाए, ये सारा भी कवर हो जाएगा, ये हिस्सा भी सारा पीछे वाला कवर हो जाएगा और तकरीबन वहाँ वहाँ तक आ जाएगी ताकि वो वाला जो है ना पिंजरा वो वाला भी कवर हो जाए। उसमें खैर जो मुर्गा है ना यार वो आप लोगों को दिखाऊँगा कल, कल के लिए है वो मुर्गा। तो अभी आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ, खैर बाकी जो है ना आपको कल दिखाऊँगा वो वाला मुर्गा। अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ, इन सारों को बंद कर दिए, दाना पानी इनके डाल दिए और जो है ना चूज़ा को देखना है कि अब क्या हुआ उसके साथ, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो अभी जो है ना दोस्त से पूछता हूँ कि इसको क्या खिलाना है, उसके पास जो है ना कोई मेडिसिन वगैरह पड़ी हो तो देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इस वक्त कोई मेडिसिन नहीं पड़ी, पैनाडोल पड़ी है, मैं पैनाडोल उसको खिला के चेक करता हूँ कि बेहतर होता है कि नहीं। तो काफ़ी कंडीशन जो है उसकी ख़राब है, वैसे अच्छा नहीं लगता, उसने भी दिया हुआ था। तो खैर यार मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, शेयर को भी शेयर भी कर दें यार आप लोग जैसे देखने को जो है ना, और भी जो लोग शौकीन हैं मुर्गियों के देखने के तो वो भी ज़रा जो है ना मेरे चैनल देख लेंगे। तो हम लोग आता होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।